सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जागो, जागो मेरे असुरों, यथाशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। मेरा आदेश सुनो मेरे असुरों, यहाँ आओ और नतमस्तक हो जाओ असुर सम्राट ब्रह्मास्त्र के समक्ष। असीम शक्ति प्राप्त की है मैंने, जिसे मैं तुम सब में बांटकर अपनी सेना को भी शक्ति प्रदान करूंगा। ससुर के दांत से ही मिटेंगे। हाँ देवी विंध्यवासिनी, अब उस ससुर का समय आ गया है। वो दुष्ट अपनी पापियों की सेना लेकर आ रहा है ना? तो आने दो से, हम भी अपनी सेना के साथ उसकी सेना का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें अति शीघ्र उस असुर पर आक्रमण कर उसकी कथा समाप्त करनी चाहिए माता। अभी हमारा आक्रमण उचित नहीं होगा। तामसिक देवी सर्वथा उचित कह रही है। दुर्गमासुर से वध के लिए मुझे अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से एकत्रित करना होगा, जिसके लिए सभी देवियों को मुझ में समाहित होकर मुझे अपनी शक्ति प्रदान करनी होगी। किंतु उसके भी उपरांत 3 दिवस तक मुझे प्रभु महादेव की उपासना करनी होगी। मैं शक्ति और शिव मेरे पुरुष पक्ष और शिव मेरे पुरुष। अवैदिक अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति को साथ लेकर आने वाले असुर से निपटने के लिए मुझे वैदिक अनुष्ठान करना होगा, जिससे शिव की पूर्ण शक्ति शिवा को प्राप्त हो। पर्वत पर स्थित होकर वो कोई बहुत बड़ा असाधारण अनुष्ठान कर रही है, जिसके मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पंख भस्म होने लगे हैं। चिंता मत करो लोचनसुर, अवश्य वो अपने अनुष्ठान से मेरे समान शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही होगी। किंतु मैं उस देवी के अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। विफल हुई तुम्हारी देवी आदिशक्ति। शांत करने का दायित्व भी मेरा ही है।
मुझे स्वयं उनके निकट जाकर उन्हें शांत करना चाहिए, किंतु प्रभु का क्रोध तो अपने चरम पर है। तो उनके इस चरम क्रोध का प्रकोप को सृष्टि नहीं, मैं स्वयं सहूंगा। अनुष्ठान के कारण ही आप इतने रुष्ट हुए, इसलिए मैं आपकी अपराधी हूं। आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा स्वामी। नहीं प्रिय, आपके कारण नहीं, मेरा यह अपार रोष दोस्त उस दुष्ट दुष्ट मसल के कारण जारी हुआ, किंतु आप नहीं मेरे इसे क्रोध की बवंडर को पार कर मुझे शाशाल और शीतल प्रदान कर मुझे अत्यंत प्रभावित किया, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज इस संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, स्पर्शवती मनुष्य। यदि आपने मेरी पूजा को संपन्न मानकर स्वीकार किया तो आप मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करूं। अब जब आपकी पूर्ण शक्ति का संचार हो चुका है, तब अब आप उस दुष्ट असुर के वध के लिए प्रस्थान कीजिए। ऐसी क्या अद्भुत युक्ति सोच रही है? ऐसी क्या अद्भुत युक्ति की योजना कर रही है इन्होंने, जो इतना पसंद हो गए हैं? हम अभी जाते हैं महाराज, और इन देवताओं का ये भेद ज्ञान कर अभी यहां लौटते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब मैं स्वयं वहां जाऊंगा। मैं भी तनिक परिचय प्राप्त करूं, मैं भी तो ज्ञात करूं कि हम है। शत्रु का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होश ही दिखाई दे रहे हैं। किंतु तुम भूल रही हो नहीं कि युद्ध भूमि में लाल वस्त्र पहनकर नहीं आया जाता, वस्त्र तो यहाँ लाल होते हैं शत्रुओं के लहू से। असंभव है मेरी मृत्यु, मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। कल किसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी।
के क्या एक बार स्वर्ण करोड़ बार अनुष्ठान किया था मैंने। कैसे रह गया? क्योंकि तू ये भूल गया था मूल कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा आने वाली है। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा आने वाली है, तभी वो पूजा सफल होती है। तुम कुछ भी कर रहे हो, एक तो तुम्हारा सुर को पराजित नहीं कर सकोगे। तुम आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात।